आजादी की लड़ाई में तमाम ऐसे गुमनाम चेहरे हैं जिन्होंने अपनी जान इस संकल्प पर कुर्बान कर दी कि वो नहीं तो अगली पीढ़ियां तो आजाद हवा में सांस ले सकेंगी। ऐसा ही एक नाम है सुहासिनी गांगुली का, जिन्होंने बतौर अध्यापिका अपने जीवन की शुरुआत की और क्रांतिकारी के रूप में देश में अपनी पहचान बनाई। आज उनके जन्म दिवस पर आइए जानते हैं उनके जीवन की कुछ अनसुनी बातों के बारे में। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात प्रकाशन के हमारे YouTube चैनल पे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की यह वीडियो। सुहासिनी गांगुली का जन्म आज ही के दिन 3 फरवरी 1909 को खुलना में हुआ था। ये शहर आज बांग्लादेश का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। उनकी पढ़ाई ढाका में हुई, हालांकि उनका पैतृक घर विक्रमपुर के एक गांव में था, लेकिन उनको बतौर अध्यापिका नौकरी कलकत्ता के एक मूक बधिर बच्चों के स्कूल में मिली। और करीब 20 साल की उम्र में 1924 में क्रांतिकारियों के शहर कोलकाता आने से उनकी जिंदगी का मकसद ही बदल गया। अपनी नौकरी के दौरान वे उन लड़कियों के संपर्क में आई जो दिन भर जान हथेली पर लेकर अंग्रेजी हुकूमत को धूल चटाने के ख्वाब दिल में लिए घूमती थी, जिनमें से एक थी कमला दास गुप्ता, एक हॉस्टल की वार्डन। उनके हॉस्टल में बम गोली जैसी चीजें बनाया करती थी। लड़कियों के हाथों में सारे हथियारों की कमान होती थी और इंचार्ज होती थी कमला दास गुप्ता। दूसरी थी प्रीति लता वडेदार। प्रीति मास्टर सूर्यसेन की क्रांतिकारी गुट की एक वीरांगना थी। एक और थी बीना दास, जिसने दीक्षित समारोह में बंगाल के गवर्नर जैक्सन पर एक एक करके भरे हॉल में 5 गोलियां दाग दी थी। दिलचस्प बात है कि बीना को भी वह पिस्तौल कमला दास गुप्ता ने ही दी थी। ये सारी लड़कियां छात्री संघा नाम का संगठन चलाती थी। ऐसे में सुहासिनी गांगुली कैसे क्रांतिकारी के इस ज्वार से बच पाती? बताया जाता है कि इन्हीं दिनों खुलना के ही क्रांतिकारी रसिक लाल दास के संपर्क में आने से वह क्रांतिकारियों से संगठन जुंगातर पार्टी से भी जुड़ गई। एक और क्रांतिकारी हेमंत तरफदार के संपर्क में आने से उनके क्रांतिकारी विचार और मजबूत होने लगे थे, लेकिन उनकी बढ़ती सक्रियता और क्रांतिकारियों से मेलजोल अंग्रेजी पुलिस से छुपा नहीं रह पाया। सुहासिनी और उनके साथियों को भी समझ आ चुका था कि वह पुलिस की नजरों में आ चुके हैं। अब उनकी हर हरकत पर नजर रखी जा रही थी। वे जहाँ जाती थी, किसी से भी मिलती थी, कोई ना कोई उन पर नजर रखा रहता था। एक समय था जब अंग्रेजी पुलिस चंद्रनगर की गलियों में भी अपना जाल बिछाने की सोच रही थी और उनके निशाने पर कई नामों के बीच सुहासिनी गांगुली का भी नाम था। एक दिन पुलिस ने छापा मारा। आमने सामने की लड़ाई में जीवन घोषाल मारे गए। शशिधर आचार्य और सुहासिनी को गिरफ्तार कर लिया गया और 1938 तक कई साल उन्हें हिजली डिटेंशन कैंप में रखा गया। लड़ाई अभी थमी नहीं थी। 1942 में कुछ आरोपों की वजह से उन्हें फिर जेल जाना पड़ा। 1945 में बाहर आने के बाद वे हेमंत तरफदार धनबाद के एक आश्रम में रहने लगे थे। सुहासिनी भी उसी आश्रम में जाकर रहने लगी। हमेशा खादी पहनने वाली सुहासिनी आध्यात्मिक तबीयत की थी। देश को आजाद कराना ही उनका एकमात्र लक्ष्य था। उनके संपर्क में इतने क्रांतिकारी आए जो उनके व्यक्तित्व से काफी प्रभावित भी थे। एक की वो छद्म पत्नी तक बनकर रही, लेकिन कभी भी उन्होंने अपने परिवार अपनी जिंदगी के बारे में नहीं सोचा, यहाँ तक कि देश की आजादी के बाद भी नहीं। कैमरे से भी वो काफी दूर रहती थी। उनकी एकमात्र तस्वीर मिलती है जो शायद किसी ने उस वक्त चुपके से खींची होगी, जब वे आश्रम में ताड़ के वृक्षों के बीच ध्यान मुद्रा में तल्लीन थी, आंखें बंद थी। आजादी के बाद उन्होंने अपना सारा जीवन सामाजिक आध्यात्मिक कार्यों में ही लगा दिया। उन्हें पॉलिटिक्स रास नहीं आई थी। मार्च 1965 की बात है, एक दिन जब वो कहीं जा रही थी, रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया। उनको कोलकाता के PG हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, लेकिन आजादी के बाद देश क्रांतिकारियों से ज्यादा ताकतवर नेताओं का दीवाना हो चुका था। उनके इलाज में लापरवाही बरती गई, वे बैक्टीरियल इन्फेक्शन के शिकार हो गई और 23 मार्च 1965 को उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूले। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।